चमोली से खबर आ रही है जहां दुमक गांव को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर विकास संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। ग्रामीण पिछले 12 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, इसलिए मजबूरन उन्हें रविवार से भूख हड़ताल शुरू करना पड़ा। सड़क के लिए लगातार संघर्ष कर रहे ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था PMGSY की कार्य प्रणाली पर खासा रोष जताया। ग्रामीणों ने सड़क की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वे जिलाधिकारी कार्यालय में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि डुमक क्षेत्र के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ग्राम डुमक से बोल रहा हूँ। आज हमारे धरना प्रदर्शन के 12वां दिन चल रहा है और दूसरा दिन कार्मिक अनशन का है। आज दिनांक 12 को और हमारा कार्मिक अनशन 17 तक रहेगा इनके, और उसके बाद हमारी मांग को पूरी नहीं सुनी सरकार ने तो हम सीधे सीधे उग्र आंदोलन करेंगे। अंजनी देवी है उपदान ग्राम डोमक। आज 12वां दिन भी जारी रहा कार्मिक उपवास का। यदि शासन प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम और आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।